केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रैली की। सिंधिया ने मकड़ी की तरह विकास का जाल बनाने का दावा किया। सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के पंडोरा में रावत समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि वो गुना शिवपुरी के लिए मकड़ी है। उन्होंने कहा रावत समाज से उनका पारिवारिक संबंध है। मकड़ी क्या करता है? मकड़ी जाल बनाता है। मैंने सड़कों की जाल यहाँ बनाई है, मैंने सबस्टेशनों की जाल बनाई है, मैंने सिंचाई के साधन की जाल बनाई है, मैंने प्रगति और विकास की जाल मेरे परिवार जनों के लिए मैंने बनाई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। इसे पूरा करने के लिए हमें शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। सिंधिया ने भी कहा कि ये नए जमाने का युद्ध है, जिसमें तलवार नहीं ईवीएम का बटन दबाना है और करंट से विरोधियों को परास्त करना है। और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई कंगना रनौत ने मोर्चा संभाल लिया है। कंगना ने आज चुनाव प्रचार में रोड शो किया। ढोल नगाड़े की थाप, कंगना के समर्थन में झूमती गाती महिलाएं और अपने समर्थकों के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां कंगना रनौत लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, मीडिया से भी बात कर रही हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से मंडी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है। मंडी से अभी भी सस्पेंस कायम है। कंगना के साथ स्थानीय बीजेपी नेता भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयंबटूर से अपना नामांकन दाखिल किया है। तमिलनाडु में बीजेपी को अन्नामलाई से काफी उम्मीद है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पूरा जोर लगा दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में समर्थक नजर आ रहे हैं। मिशन 400 के बीच बीजेपी को तमिलनाडु से बड़ी उम्मीदें हैं। इस उम्मीद के बीच अन्नामलाई बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2 से 3 सालों में अन्नामलाई ने जो असर पैदा किया है उसकी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है, और यही वजह है कि बीजेपी उनसे काफी उम्मीदें लगा रही है। मार्च 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें पूरे सूबे की कमान दे दी और उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को घर घर पहुंचाने के लिए पिछले साल जुलाई में यात्रा की थी। इस अन्नामलाई की अगुवाई में ये यात्रा जहां जहां से गुजरी लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।